हाय हैज वेलकम यू ऑल ऑन एस एस मित्रा आज मैं आपके लिए जो अभी आर एस एम एस एस बी राजस्थान पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूँ मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे कि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये कैसे लेकिन मैं अभी आपको बता दूँ कि अभी मॉक जो दे रहे हैं लोग बाग उस हिसाब से क्या स्कोर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कि टफ़ एग्ज़ाम रहता है तो क्या स्कोर रह जाता है और इजी एग्ज़ाम में क्या स्कोर रहता है तो मैं आपको आज स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि उससे आप कितने आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने अगर पेपर टफ आता है तो कितने ए जी अटैम्प्ट करने हैं अगर ए जी पेपर आता है तो तो ये मैं आपके लिए एक स्लाइड लेके आया हूँ तो आप सभी का एस एस मित्रा पर स्वागत है प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम का सिलेबस जैसे आपको पता ही है एग्ज़ाम के सिलेबस में है यहाँ पे राजस्थान जी के क्वेश्चन आएंगे तीस ये इंडिया जी के साइंस और करंट अफेयर्स इनको मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे इनको मिला के आएँगे टोटल थर्टी एट ये आप सबको पता ही है सिलेबस पर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये अलग अलग इस हमने लिखा है और हिंदी और इंग्लिश के दोनों के कंपाउंड दे रखे हैं वहाँ पर बाईस लेकिन ये दोनों ग्यारह ग्यारह करके आएंगे तो मोस्टली स्टूडेंट का क्या है कि इंग्लिश का पोर्सन थोड़ा वीक रहता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है इन ग्यारह नंबर ग्यारह क्वेश्चन पर जहाँ से आप बाईस नंबर का अपना अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर जिसके मिलेंगे आपको पंद्रह क्वेश्चन और इसको तो आपको सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसमें नंबर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका और नेक्स्ट है आपके राजस्थान जी के जिसके तीस क्वेश्चन आएंगे और है मैथ जिसके आएंगे आपको लगभग मैथ के टोटल मान लो बीस के लगभग क्वेश्चन आएंगे और पच्चीस क्वेश्चन इसमें से रीजनिंग के होंगे रीजनिंग का इसमें पोर्शन ज़्यादा रहने वाला है तो पच्चीस और बीस टोटल पैंतालीस क्वेश्चन आएंगे मैं तो रीजनिंग से जो होगा दो नंबर का एक क्वेश्चन है टोटल नब्बे नंबर के यानी कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट रोल करेगा आपके सिलेक्शन में तो आपको इन पर पूरा ध्यान देना है इन सब्जेक्ट्स पे तो मैं आपको बताता हूँ और हाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग एक बटा तीन है जो एक अच्छे स्कोर करने वाले बंदे को भी बहुत पीछे ला के कर सकती है अभी हम जब मौक़ देते हैं जो भी है मेरे साथ वाले लड़के हैं जो भी स्टूडेंट हैं वो बताते हैं कि वो उनके स्कोर जनरली 200 प्लस आ जाता है कि 103 के करीब से ही हो जाते हैं तो 206 207 210 स्कोर बन जाता है लेकिन जब उनके नेगेटिव आते हैं बीस बाईस वो नेगेटिव कर देते हैं अगर उन्हें सोचो सत्ताईस भी अगर नेगेटिव कर देते हैं तो दो नंबर का है तो एक वटा नेगेटिव से ये अठारह नंबर वो पीछे आ जाता है यानी कि एक बंदा जो 206 स्कोर कर रहा है 103 सही करके वो 18 माइनस करेगा इसमें से तो वो एक यानी कि 190 से वो नीचे आ गया है और 190 और 206 में आपको पता है यहाँ पे आप सिलेक्शन से रह सकते हो और यहाँ पे आप इजीली सिलेक्शन पा सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है और आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर नहीं करोगे और आप नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा करके आओगे तो वो आपको सिलेक्शन से उतना ही दूर लेके जा सकते हैं तो प्लीज़ जितना ज़्यादा आपसे हो सके एग्जाम में उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करना है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट जिनमें आप श्योर हों और अब मैं बताता हूँ आपको यदि पेपर कठिन आता है तो आपको किस में लगभग कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है राजस्थान जीके का क्वेश्चन अगर ये टफ आता है तो ये राजस्थान जी के वाला है इसमें आपको अटैम्प्ट करने हैं जैसे तीस क्वेश्चन आएंगे तो तीस में से आपको पंद्रह से प्लस ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं चाहे हार्ड आए चाहे ईजी आए ये हार्ड में मैं बता रहा हूँ आपको अगर हार्ड आएगा तो पंद्रह से प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट आपकी इंडिया जी के जिसके कितने क्वेश्चन हैं टोटल अड़तीस क्वेश्चन लेकिन हार्ड आएगा तो आपको बाईस से प्लस क्वेश्चन करने हैं ठीक है तो ये आपको बाईस से प्लस करने ही करने हैं इसके लिए क्योंकि आप अब इतने आपको भी पता है कि ये दो की भर्ती है तो लोगों को तैयारी करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर रखी है तो अच्छे से स्कोर आएगा इसमें लोगों का तो आप सबको ये बाईस तो अटैम्प्ट करने ही करने हैं इंडिया डेजी के में भी नेक्स्ट है आपकी हिंदी ये आपके ग्यारह क्वेश्चन आएंगे और आपको इनको तो लगभग लगभग तैयारी करना है ग्यारह से कम हार्ड आएगा तो क्या आएगा कि एक दो क्वेश्चन ही हार्ड हो सकते हैं हिंदी में तो आर्ट तो आपको लगभग लगभग करने हैं और इंग्लिश इंग्लिश में हार्ड आएगा तो आपको इंग्लिश में ग्यारह क्वेश्चन आएंगे पाँच से सात क्वेश्चन आपको करने हैं इंग्लिश में नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर कंप्यूटर के पंद्रह क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर हार्ड हो भी सकता है क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ाया तो ये हार्ड भी लगेगा और कुछ टर्म ऐसी दे भी देते हैं कि वो नहीं समझ में आती हैं क्या पूछ रहा होता है क्योंकि जनरली हम इतने यूजफुल नहीं होते हैं कंप्यूटर से तो कंप्यूटर के पंद्रह क्वेश्चन में से आपको लगभग करना है सात से आठ क्वेश्चन आपको हार्ड पेपर में अटेम्प्ट रखना ही रखना है और फिर आती है मैथ एंड ये रीजनिंग इसमें ही है पैंतालीस क्वेश्चन के ये दोनों सब्जेक्ट पैंतालीस नंबर में से आपको कितना करना है पैंतालीस में से आपको लगभग तीस से पैंतीस तो आपको रखना ही रखना है क्योंकि कई लोगों की इसमें रीजनिंग कमजोर मैथ कमज़ोर पड़ जाती है और रीजनिंग में एक पोर्शन है जो बहुत कम लोगों ने कर रखा होगा वो है इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट आपको करके जाना है इसके तीन से चार क्वेश्चन आएंगे जो ज़्यादा टफ नहीं है जिसकी एक या दो वीडियो आप कहीं भी देख लोगे तो मिल जाएगी और उससे आपके छः से आठ नंबर तक पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको नहीं करके जाओगे तो छः से आठ नंबर आप पीछे आ जाओगे तो आपको इनपुट आउटपुट के एक बार को कहीं ना कहीं से वीडियो देख के ही जाने हैं और अभी इसमें कोई और पोर्शन तो बचा नहीं है तो इसमें मैं आपको बताऊँ कि गुड अटैम्प्ट कितना रहा इसमें अगर हार्ड पेपर आता है तो हार्ड पेपर में गुड अटैम्प्ट बनेगा आपका जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको नाइन्टी फाइव प्लस रखना है आपको यानी कि जनरल के लिए आपको वन नाइन्टी प्लस नंबर तो होने ही चाहिए अगर पेपर हार्ड आता है तो अगर इजी आएगा तो उसके लिए अलग मार्क्स हैं और आप ओ के लिए इससे वही ओ की के आज मतलब कट ऑफ लगभग बराबर सी रहती है इसके तो ओ के आप सोच लो कि ओ के लिए भी इसमें एक सौ अस्सी प्लस बस दस नंबर का इतना ही फ़र्क रहेगा एक सौ अस्सी पचासी के आसपास हार्ड पेपर में ओ की कट ऑफ रहेगी और एस सी वगैरह एस सी एस टी ओ और एम की कट ऑफ एक सौ पैंसठ सत्तर के करीब पड़ जाएगी लेकिन अगर पेपर इजी आता है तो हमें क्या करने हैं तो हमें हमारी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी पेपर को देखते हुए क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए तो उसके बाद में उसके बाद में बता मैंने आपको बताया गुट अटम्प्ट हार्ड पेपर में हार्ड पेपर में है नाइन्टी फाइव प्लस लेकिन इसमें भी आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा माइंड में याद रखनी है अगर आप नाइन्टी फाइव प्लस कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी नाइन्टी फाइव प्लस ही एक्यूरेसी होनी चाहिए तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक हो वरना आप सिलेक्शन से दूर जाते जाओगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत बड़ा है जो कि एक वटा तीन है पॉइंट सिक्स सिक्स नंबर कटेंगे एक तो आपका क्वेश्चन गलत होता है और आपके सही में से भी वो पॉइंट छियासठ ले जाता है जो आपको बहुत पीछे ले जाता है तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप ध्यान रख सको तो आपको एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है जितनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना ही आप सिलेक्शन के पास में जाते जाओगे नेक्स्ट है इसमें अगर ए पेपर आता है तो क्या गुडर रहने वाला है अगर ए पेपर आता है तो जैसे सबसे पहले पोर्शन आएगा इंडिया जे के का इंडिया जे के टोटल कितने क्वेश्चन हैं अड़तीस लेकिन अड़तीस में से जब एजी क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको तीस प्लस क्वेश्चन करने होंगे क्योंकि लोग फिर करेंगे इसमें स्कोर क्योंकि लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी है काफ़ी दिन से लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे तीस प्लस करना ही है नेक्स्ट आएगा राजस्थान जी के राजस्थान जी के तीस क्वेश्चन आएंगे तीस में से अगर इजी रहता है तो आपको पच्चीस तक तो जाना ही जाना है एटलीस्ट पाँच क्वेश्चन करंट के या कुछ ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं हों तो पच्चीस तो, तो आपको करना ही करना है राजस्थान जी के, के में भी और सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट रहेगी इसमें वो रहेगी अगर अच्छे से जिन्होंने तैयारी कर रही है रीजनिंग प्लस मैथ इसमें आराम से लोग चालीस से प्लस क्वेश्चन करके आएंगे और यहाँ अस्सी से ऊपर नंबर ले, ले लेंगे नब्बे में से और जिन्होंने अगर इनमें से एक भी सब्जेक्ट छोड़ दिया तो वो सलेक्शन से पीछे जाएगा और जिनके ये सब्जेक्ट मजबूत हैं वो सिलेक्शन के एक स्टेप आगे ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्जिन तीन सौ में से अस्सी नंबर वो लेके सबसे आगे होता है तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है यहाँ पे चालीस प्लस काफ़ी सारा टाइम है तीन घंटे का टाइम है तीन घंटे में आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन नहीं भी हो रहा तो आप ऑप्शन से पुट कर करके भी कर सकते हो तो आपको ये ही सबसे पहले करना है और आपको एग्ज़ाम में सबसे अच्छी स्ट्रेटजी में बताऊँ तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करना आना चाहिए ठीक है ऑप्शन एलिमिनेशन आपको नहीं पता कौन सा सही है या कौन सा गलत है लेकिन कुछ ऑप्शंस के बारे में आपको पक्का गारंटेड याद होगा कि ये तो है ही नहीं आंसर तो उसको पहले आप किनारे कर दो फिर बच्चे हैं तो आपका कम से कम गैस आप तुक्का भी लगाओगे तो कम से कम दो ऑप्शन में लगाओगे तो दो ऑप्शन में लगाने पर आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है पचास परसेंट यानी कि पचास परसेंट चांस है कि वो सही हो गया तो लेकिन आप अगर ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं करते हो तो आपके तुक्का लगाने की दर हो जाती है एक वोटे चार यानी कि सही होने का चांस एक है और तीन गलत होने के चांस भी हैं तो आपको तुक्का लगाने से पहले भी आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना पड़ेगा और मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर में आपको करना है स्कोर कंप्यूटर आराम से कंप्यूटर स्कोर करा जाएगा पंद्रह में से आप ग्यारह बारह क्वेश्चन आराम से कर लोगे ईजीली अगर थोड़ा सा भी ईजी कंप्यूटर आता है तो और इसके बाद सब्जेक्ट कौन सी बचती है इसमें हिंदी और इंग्लिश हिंदी में वही आप आराम से दस ग्यारह क्वेश्चन हैं तो आठ नौ दस क्वेश्चन आप कर लोगे एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे बाकी रही इंग्लिश की बात अगर आपको थोड़ा इंग्लिश डर लगता है तो आपको पैसेज करना है पैसेज में आप इजीली नंबर ले आओगे वो कैब है वो कैब तो थोड़ा उसका कुछ कह नहीं सकते हैं कि वो कैब में तो आ, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड हैं आपने अगर वो वर्ड देखा हुआ है आ गया तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे नहीं आया तो आप छोड़ दोगे तो आपको कम से कम पैसेज को टाइम देना है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसी में से आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो यहाँ से आप देख लेना थोड़ा जितना भी जिसकी अच्छी इंग्लिश है तो अच्छे नंबर लाएगा उसको अच्छे से अटैम्प्ट करेगा नहीं है तो आप इस पर ज़्यादा टाइम ना दें क्योंकि टाइम को आपको वहाँ देना है जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो तो आगे अब आपको मैं बताता हूँ आपको अब क्या कर रहे होंगे और आप लास्ट टाइम में अभी थोड़े पैनिक भी हो रहे होंगे कि अभी ये पेपर सिर पे है तो क्या करना है क्या नहीं करना कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा तो मैं कहता हूँ आप प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहिए अपने आप में क्योंकि आपने तैयारी की है तो उसका रिज़ल्ट आपका ऑटोमेटिक आएगा ही अब आपने जो पढ़ रखा है उसको सिर्फ़ रिवाइज करना है कुछ भी नई चीज़ ज़्यादा देखनी है नहीं बस वो चीज़ देखो कि जो आपने पढ़ी है लेकिन कभी अभी वो आपको रिकॉल नहीं हो रही है तो आप उसको दोबारा देख लो और रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को वही आपको और मॉक तो मोस्टली स्टूडेंट लगा ही रहे होंगे अगर जो नहीं लगा रहा है तो आप मान लो आप उन स्टूडेंट्स से तो पीछे हैं जो मॉक टेस्ट डेली लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और किस सेक्शन में कितना अटैम्प्ट वो कर सकते हैं तो आपको मॉक टेस्ट लेने हैं आपके पास में अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग है तो उसके लिए लीजिए नहीं तो अभी मॉडल पेपर भी आ गए हैं मार्केट में और नहीं तो ऑनलाइन तो मिल ही रहे हैं आप ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिए वो आपको बहुत मदद करेंगे इसमें और एक कन्सेप्ट आपके सबके क्लियर हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपको कुछ नहीं है कंसेप्ट क्लियर अभी तो उन कन्सेप्ट जो ऐसे ऐसे हैं जो आपको रिकॉल नहीं होते हैं टाइम पे और वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जैसे मैथ के फार्मूला तो पेज लीजिए दो या एक उसमें उन सारे फार्मूलों को लिखिए और आप जहाँ से पढ़ते हो उनको डेली उनको आपको सुबह या रात को एक बार आपको उनको देखना है ज़रूर जिससे कि वो आपके माइंड में छप जाएंगे और आप उनसे अच्छे से रिकॉल कर पाओगे एग्ज़ाम में और वो आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे तो बस आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है जब तक एग्ज़ाम आता है अगर आप में खुद में विश्वास होगा तो आप पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका चेंज हो जाएगा अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस में लूज हो जाओगे तो आप पेपर को उस ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे तो अपने आप को मोटिवेट रखिए आप ये सोचिए कि आप ही टॉपर हैं आपसे होशियार कोई नहीं है ठीक आपने जो पढ़ा है वो सब सही पढ़ा है तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस बना कर रखिए और मैं आप सभी को भविष्य में और अपने इस पटवारी के एग्ज़ाम में सफल होने की शुभकामनाएँ देता हूँ धन्यवाद प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर कर दें धन्यवाद